हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं नथिंग फोन वन के बारे में। यस, ऑल डिटेल आपको यहाँ पर प्रोवाइड करने वाला हूँ कि नथिंग की तरफ से यहाँ पर नथिंग फोन को लेकर इंडियन मार्केट में जो हाइप मच रही है, इसके रिगार्डिंग काफ़ी सारे लोग इसके बारे में जानने के लिए एक्साइटेड हैं। इसके स्पेशली आपको यहाँ पर कुछ ऐसे देखने के लिए मिलते हैं कि लोग इसके बारे में बाय करने के बारे में एंड इसके स्पेशन के बारे में खासकर ज़्यादातर लोग जानने के लिए एक्साइटेड हैं। तो मैं यहाँ पर आपको इस वीडियो में नथिंग फोन वन की ऑल डिटेल आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ ओनली हिंदी लैंग्वेज के अंदर। यस, तो वीडियो को सब्सक्राइब करके प्रेस लाइक जरूर से करें। स्टार्ट करते हैं यहाँ पर आपको यो नथिंग फोन वन के स्पेशन से। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिस्प्ले से। तो यहाँ पर आपको सेंटर पंचोल डिज़ाइन के साथ आपको इसका जो डिस्प्ले डिज़ाइन देखने मिलता है। यस, काफ़ी ब्राइट डिस्प्ले होने वाला है एंड यहाँ पर आपको 90 हर्ट्ज की हायर रिफ्रेश रेट। यस, एंड यहाँ पर आपको पैनल ओलेड पैनल यूज़ हुआ है, तो काफ़ी ब्राइट डिस्प्ले होने वाला है एंड वाइड वन एलन का फोटो बेस देखने को मिला। सो ओवरऑल गाइस, इसका डिस्प्ले डिज़ाइन है ना, वो काफ़ी बेटर निकल कर आने वाला है। कंटेंट कंज्यूम कर लो, चाहे आप इस पर कोई भी हार्ड वर्क या डे टू डे लाइफ में वर्क कर लो, डिस्प्ले पर आपका एक्सपीरियंस काफ़ी अलग होगा, एक नेक्स्ट लेवल का होगा। बात करते हैं यहाँ पर आपको बिल्ड एंड डिज़ाइन की। तो गाइस, यहाँ पर आपको काफ़ी ब्यूटीफुल एंड काफ़ी गुड लुकिंग डिज़ाइन देखने को मिलेगा, खासकर इसका ट्रांसपेरेंट बैक कवर, क्योंकि आज तक किसी भी स्मार्टफोन में यहाँ पर आपको नहीं देखने को मिलता। इसके अंदर के जो कंपोनेंट्स होंगे, जो आपको एक एक यहाँ पर आपको एक एक तार भी इसका यानी दिखेगा उस ट्रांसपेरेंट बैक कवर के, तो ये इसका एक इंटरेस्टिंग पार्ट होने वाला है। फुल ग्लास रहेगा एंड यहाँ पर आपको बैक पर जैसे मैंने आपको ट्रांसपेरेंट आपको देखने मिलेगा पूरा पूरा, तो ये काफ़ी अच्छी बात होगी। फ्रंट पर फुल ग्लास रहेगा एंड यहाँ पर आपको फ्रेम यहाँ पर देखने मिलेंगी। यहाँ पर आपको नथिंग फोन वन की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। रियर पैनल पर कलर ऑप्शन की बात करूँ तो गाइस, ब्लैक, व्हाइट एंड यहाँ पर आपको ट्रांसपेरेंट बैक इन कलर ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो बिल्ड क्वालिटी एंड इसका जो इन हैंड फील आपका रहेगा, वो काफ़ी सॉलिड रहेगा। यस, काफ़ी प्रीमियर आपको एक फील आएगा जब आप इसे हाथ में होल्ड करोगे। चिपसेट के अंदर गाइस, यहाँ पर आपको कोलकॉम स्नैपड्रैगन 7 Gen 1, यस 7 Gen 1 देखने मिलेगा। 4 nm बना हुआ ओक्टा कोर का 5G प्रोसेसर है। यस, 5G प्रोसेसर, तो 5G का ऑप्शन आपको ऑब्वियसली देखने मिलेगा। अच्छे खासे 5G बैंड का सपोर्ट आपको इसमें देखने मिलेगा, जो कि इंडिया में यानी N77 एंड 78 जो कि इंडिया में सपोर्ट करने वाले हैं। यस, GPU की बात करूँ तो गाइस, यहाँ पर आपको एडनो 662 GPU देखने मिलेगा। गेमिंग ग्राफिक्स, वीडियो रेंडरिंग जैसे हार्डवर्क को काफ़ी अच्छी तरह काफ़ी स्मूथ एंड काफ़ी फास्ट आपको रेंडर। LPDDR5X का रैम टाइप, UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप, एंड्रॉयड 12 देखने मिलेगा एंड UI नथिंग OS देखने मिलेगा। यस, जहाँ पर आपको नो ब्लोटर नो प्रीइंस्टॉल ऐप देखने मिलेगा, क्लीन यूजर इंटरफेस रहेगा आपका। यस, तो ओवरऑल इसका परफॉर्मेंस आपको काफ़ी फास्ट रहेगी। डे टू डे लाइफ में यूज़ करोगे ना, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना ज़्यादा प्रोसेसर हीट होगा। यस, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। गेमिंग ग्राफिक्स आप यानी अल्ट्रा हाई सेटिंग पर इंजॉय कर पाओगे। कैमरा की बात करें तो यहाँ पर आपको 50 MP का प्राइमरी कैमरा देखने मिलेगा, रियर पैनल पर OIS के साथ ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन। यस, तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि आपके वीडियो स्टेबल रिकॉर्ड हो जाएंगे। 8 MP अल्ट्रा वाइड, 2 MP मैक्रो। यस, फ्रंट सेंटर पंचोल जो कटआउट में 16 MP सेल्फी स्नैप पर फ्रंट एंड रियर से दोनों से यहाँ पर आप 4K कर पाओगे। यस, तो ये काफ़ी अच्छी बात है सैमसंग की तरह की, यानी कुछ कुछ ब्रांड इंस्पायर हो रहे हैं। सैमसंग यहाँ पर आपको फ्रंट पर 4K प्रोवाइड करता है, तो नथिंग फोन वन में भी फ्रंट पर 4K ऑप्शन देखने मिलेगा। ऑल कैमरा फिल्टर का स्कोर देखने मिलेगा, स्लो मोशन प्रो मोशन वो सभी देखने मिलेंगे। बैटरी डिपार्टमेंट के अंदर बात करें तो बैटरी के मामले में 4500 mAh की बैटरी। यस, उसी के साथ गाइस, यहाँ पर आपको जो 45 वाट का यहाँ पर आपको फास्ट चार्जर देखने मिलेगा एंड रिवर्स चार्जिंग वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन आपको ऑब्वियसली देखने मिलेगा एंड अदर सेंसर यहाँ पर आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर एंड यहाँ पर आपको फेस लॉक ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर एंड यहाँ पर आपको जितने भी सेंसर देखने मिलते हैं ना, जायरोस्मीटर मिला इसमें, प्रोसेसर सभी देखने मिलेंगे। यस, तो सेंसर डिपार्टमेंट में यहाँ पर आपको कोई भी इशू क्रिएट नहीं होगा। तो फाइनली बात करते हैं वेरियंट की, इसके वेरियंट एंड इसकी प्राइस को एक्चुअल जो इस टाइम चल रही है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने मिल जाएगा, अच्छी खासी ऑफर के साथ वहाँ से बाय भी कर सकते हो। यस, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके प्राइस पॉइंट को चेक करने के बाद कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर सुनाना कि इसके स्पेशल आपको कोलकॉम स्नैपड्रैगन 7 Gen 1 के साथ आपको कैसे लगे एंड इसके प्राइस पॉइंट क्या होगी, कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर से बताना। मैं मिलता हूँ तब तक के लिए। जय हिंद।